हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सब? दोस्तों, स्वागत है अरिमम इलेक्ट्रिकल वर्क्स में। दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। ये वाटर पंप है, पानी का जो मोटर होता है और इसका जो कनेक्शन होता है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा जो है आप लोग के साथ जो है शेयर करेंगे। कनेक्शन इसको जो है कैसे किया जाता है, और देखिए जिसने ये मोटर लेकर के आया मेरे पास, इसका कहना है कि मोटर जो है इसका कैपेसिटर जो है फट गया था। उसके बाद जो है इसने जो है खोल करके देखा तो कैपेसिटर फटा हुआ था। उसके बाद नया कैपेसिटर लाया, ला करके इसने यहाँ पे कनेक्शन किया, और कनेक्शन करने के बाद इसको चला करके देखा तो मोटर जो है नहीं चल रहा है। तो इसने कुछ मोटर का कोयल वगैरह जल गया होगा सोच करके लाया मेरे पास। तो जैसे ही मैंने इसको खोल करके देखा तो पाया कि यहाँ पे जो कैपेसिटर का कनेक्शन है सही तरह से जो है नहीं लगाया था। कैपेसिटर तो नया इसने जो है चेंज करके रखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन होता है। यहाँ पे मोटर के अंदर से आपको तीन वायर मिलेगा, जिसमें एक रेड होता है। तो रेड वाले को आपको जो है एसी सप्लाई का जो वायर वायर में जो रेड कलर होता है उसके साथ जो है जोड़ के रख लेना है, और उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ रेड और रेड आपको जोड़ करके रख लेना है। और बाकी जो उसके बाद जो है मोटर का अंदर से निकला हुआ आपको दो वायर बचेगा, जिसमें ब्लैक हो सकता है या तो वाइट भी हो सकता है। तो ये दोनों वायर को जो है आपको जो है कैपेसिटर से भी दो वायर निकलता है, तो कैपेसिटर का दोनों वायर जो है ये दोनों वायर में आपको जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद देखिए एसी सप्लाई का जो एक और कनेक्शन बचता है, ये कनेक्शन इस तरह से देखिए यहाँ पे जो भी कैपेसिटर का दोनों में से एक कनेक्शन में आपको इस तरह से जो है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, आपको अभी आपका जो है काम जो है मोटर का जो कनेक्शन है बिल्कुल सही तरह से नहीं हुआ अभी अभी जो है आपको मेन चीज़ करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ये कनेक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे टेप वगैरह लगा देंगे, उसके बाद मोटर का जो है चालू कर देंगे, उसके बाद जो मोटर चलने लगेगा। तो हम लोग सोचेंगे मोटर जो है चलने लगा है और उसको बंद करके रख देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग को जो है एक बार चला करके देख लेना है। देखने के बाद आपको क्या चीज़ का ध्यान में रखना है, जो फैन होता है ये देखिए मैं सप्लाई यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये देखिए मोटर जो है उल्टा दिशा में घूम रहा है अभी। तो ये देखिए हर मोटर जो है उल्टा दिशा में जो है एक ही स्पीड में नहीं घूमता है। कोई कोई मोटर अगर उल्टा घूमने लगता है तो इसमें बहुत ही धीमी स्पीड से जो है घूमता है। तो अभी देखिए आपको देखना है मोटर का फैन जो है आपका जो दायां साइड है उस तरफ में घूमना चाहिए। तो देखिए ये कैपेसिटर का जो कनेक्शन है इसको पकड़ने से पहले इस तरह से शॉर्ट करके ही पकड़िएगा। तो अभी जो न्यूट्रल का कनेक्शन आपने एक कनेक्शन पे कैपेसिटर के कनेक्शन पे लगाया था, तो उसको चेंज करके इस तरफ का कनेक्शन को में जो है आपको लगा देना है। लगाने के बाद अभी एक और एक बार फिर से आपको जो है चला करके देख लेना है। तो ये देखिए मोटर अभी अपने जो है दाएं दिशा में जो है घूमने लगा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये बिल्कुल सही दिशा है। तो ये चीज़ को आपको जो है ध्यान में रख करके जो है कनेक्शन करके जो है चला करके चेक कर लेना है, क्योंकि होता क्या है देखो, देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे उसको, उसके बाद जो है मोटर चलने तो लगेगा, और जो है हम लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं देंगे कि मोटर जो है सही दिशा में चल रहा है या तो उल्टा दिशा में। उसके बाद जब आप पानी जो है खींचने लगोगे यहाँ पे, तो क्योंकि मोटर जो है उल्टा दिशा में घूम रहा है, आप जितना भी कोशिश करो मोटर जो है पानी जो है पंप नहीं करेगा, तो ये चीज़ जो है आपको फिर से जो है दोबारा परेशान कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे तीन कनेक्शन मोटर के अंदर से आता है। जो रेड वाला होता है ये कॉमन कनेक्शन है, इसको एसी सप्लाई का जो रेड वायर है इसके साथ जोड़ करके जो है रख देना है। बाकी का जो वायर दो वायर बचा हुआ है यहाँ पे आपको कैपेसिटर का दोनों वायर को जोड़ना है। उसके बाद एसी सप्लाई का जो न्यूट्रल कनेक्शन है ये दोनों में एक एक को लगा करके देख लेना है। मोटर जिस दिशा में सही घूमेगा उसी दिशा में इसको जो है छोड़ देना है। वहाँ पे टेप वगैरह जो भी है लगाने का होता है वहाँ पे आप लगा देना है यहाँ पे। और जॉइंट वगैरह को जो है आप अच्छी तरह से टेप वगैरह लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सप्लाई जो है बहुत ही हेवी जो है सप्लाई यहाँ पे पुश होता है, तो आपको
कनेक्शन को जब भी लगाएंगे सही तरह से टैब वगैरह लगा करके छोड़ना है अंदर, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है।